स्वामी विवेकानंद के विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत दर्शन का है। इसके अलावा उनके दर्शन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादी कुरूतियों के विरुद्ध जो उनका प्रतिवाद है, वो ब्रह्म समाज के प्रभाव में है। इसके अलावा गीता की बातों का भी विवेकानंद के विचारों पर गहरा असर देखा जा सकता है। इन सब के परे विवेकानंद के जीवन, मन और विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था। रामकृष्ण परमहंस ने ही विवेकानंद को आध्यात्मिक अनुशासन और चिंतन की दीक्षा दी। विवेकानंद का दर्शन कई अर्थों में आध्यात्मवाद का दर्शन कहा जा सकता है। इनके दार्शनिक विचार तत्व मीमांसी या आध्यात्मवाद का उदाहरण है। विवेकानंद की मान्यता है कि सत्य मूलतः आध्यात्मिक है। विवेकानंद का आध्यात्मवाद एकवादी है। विवेकानंद का मानना है कि ब्रह्मवाद, अमूर्त एकवाद और ईश्वरवाद, ये सभी सत्य को समझने के हमारे अलग अलग प्रकार हैं। इस रूप में विवेकानंद मूल तत्व यानी सत्य की व्याख्या में एकवादी और ईश्वरवादी दोनों व्याख्याओं के बीच सहज भाव से विचरण करते हैं। विवेकानंद एक दृष्टि से सर्वेश्वरवादी हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण भी कहा है। विवेकानंद की ईश्वर में गहरी आस्था है और उनकी आस्था की अभिव्यक्ति इस विश्वास में होती है कि ईश्वर में बिना आस्था रखे जीना असंभव है। विवेकानंद का कहना है कि यह संभव नहीं है कि हम जगत और आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें और ईश्वर की सत्ता को नकार दें। विवेकानंद ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने का एक आधार सभी वस्तुओं में निहित एकत्व को मानते हैं। विवेकानंद ईश्वर की साक्षात अनुभूति को भी संभव मानते हैं। विवेकानंद ने अपने दर्शन में सृष्टिवाद और विकासवाद दोनों के लिए स्थान बनाया है। नव वेदांतवादी विवेकानंद के जगत विचार में माया का भी स्थान है। ये शंकर के माया विचार के समान होते हुए भी इससे अलग है। शंकर जहां माया को शक्ति मानते हैं जो भ्रांति उत्पन्न करती है, लेकिन विवेकानंद का कहना है कि माया भ्रांति नहीं है, बल्कि माया जगत का एक तथ्यात्मक विवरण है। जगत में व्यक्त विरोध ही माया है। विवेकानंद के मानव विचार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का समन्वित और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण है। हालांकि विवेकानंद भौतिक पक्ष को निम्नतर पक्ष और आध्यात्मिक स्वरूप को उच्चतर पक्ष मानते हैं। विवेकानंद ने अमरता को आत्मा की विशिष्टता बताया है, जो पुनर्जन्म से शुरू होकर पुनर्जन्म से मुक्ति पर खत्म होती है। आत्मा अमरता की अनुभूति कैसे कर सकती है, इसके लिए विवेकानंद ने ज्ञान योग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का विश्लेषण किया है। इसके अलावा राजयोग का भी जिक्र किया है, जिसमें अमरता की प्राप्ति के लिए मन और शरीर के पूर्ण नियंत्रण और अनुशासन शामिल हैं। विवेकानंद की मान्यता है कि मानव जाति के भाग्य को दिशा निर्देश देने वाली शक्तियों में सबसे ज्यादा प्रभाव धर्म का ही रहता है। विवेकानंद का मानना है कि धर्म को कभी नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि धर्मों की विभिन्नता, उनका आपसी मतभेद और विवाद धर्मों के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वेदांत का हिस्सा था कि जैसे जो कहा जाता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये एक हमारी कल्पना, वैदिक कल्पना थी, जिसमें सभी धर्मों को उतना ही एक तरह से सम्मान दिया गया कि आपका धर्म भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना मेरा। विवेकानंद का कहना है कि धर्म सार्वभौम कैसे हो पाएगा, इस प्रश्न के समाधान में ही सार्वभौम धर्म का स्वरूप उभरता है। वे कहते हैं कि धर्मों की सार्वभौमिकता की एक पहचान ये है कि उसके द्वार हर व्यक्ति के लिए खुले रहें। सार्वभौम धर्म की दूसरी शर्त यह है कि वो विभिन्न धर्म संस्थाओं को संतुष्ट और तृप्त कर सके। विवेकानंद का मानना है कि जैसे विश्व बंधुत्व संभव है, वैसे ही सार्वभौम धर्म भी वास्तविक है। विवेकानंद का कहना है कि वस्तुतः हर धर्म सार्वभौम धर्म है, लेकिन हम अपनी सुविधाओं और बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस धर्म की सार्वभौमिकता की उपेक्षा कर उसे सांप्रदायिक बना देते हैं। आगे चलकर वे स्पष्ट करते हैं कि सार्वभौम धर्म बनाने का अर्थ अलग से किसी धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि सार्वभौम मानसिकता से सोचें तो हम सभी धर्मों की एक समानता को देख पाएंगे। सार्वभौम धर्म की विशिष्टता होनी चाहिए कि वो हर मन को सहज रूप से स्वीकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।